वेलकम टू पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये किस तरह से डिफाइन किया गया है? द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। कैन हैव एनर्जी, अब एनर्जी में आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस सरफेस पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है, रिजिड ब्लॉक है और यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन है। मोशन जो कैसा है, वो यूनिडायरेक्शनल है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी एक की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, ठीक। तो उसके पास, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो एक होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में DOF या सिंपली F ही कहते हैं उसको। उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल वन डायमेंशनल मोशन है। ये जो मोशन है वो कैसा है? वन डायमेंशनल मोशन है। जब टू डायमेंशनल मोशन होता है तो उसके पास दो वेलोसिटीज होती हैं, दो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएंगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक वेलोसिटी Vx होगी, एक वेलोसिटी Vy होगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो टोटल एनर्जी आएगी वो सिंपली क्या होगी? वो सिंपली होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन के मोशन से अफेक्टेड नहीं होती, और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन के मोशन से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। एक्स डायरेक्शन का मोशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक्स डायरेक्शन में जो भी एनर्जी होगी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जो भी एनर्जी होगी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन के मोशन से लेना देना नहीं है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को वाई डायरेक्शन के मोशन से लेना देना नहीं होता। तो जब भी टू डायमेंशनल मोशन होगा आपका, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सिस्टम की, इसको आप कह सकते हो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या आप ऐसा कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि अभी हमने इसमें रोटेशन का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, अभी ट्रांसलेशन मोशन देख रहे हैं हम, ठीक। तो ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। ये टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई, ट्रांसलेशन मोशन। इसी तरह से अगर कोई थ्री डायमेंशनल मोशन होगा, इन जनरल एक पॉइंट पार्टिकल है और वो रेंडमली मूव कर रहा है स्पेस में कहीं भी, तो उसके पास उसकी वेलोसिटी के हमेशा तीन कंपोनेंट रहेंगे, एक Vx होगा, एक Vy होगा, एक Vz होगा, और तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी Vx की वजह से होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी Vy की वजह से होगी हाफ एम वी वाई स्क्वायर, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी Vz की वजह से होगी हाफ एम Vz स्क्वायर। और ये जो तीनों काइनेटिक एनर्जी हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि Vx को Vy से लेना देना नहीं, तो Kx को Ky से लेना देना नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी x कंपोनेंट की वजह से, ये काइनेटिक एनर्जी y कंपोनेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन के अलग है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिर्फ आप ऐसा कह सकते हो ये काइनेटिक एनर्जी x कंपोनेंट की वजह से है, ये काइनेटिक एनर्जी y कंपोनेंट की वजह से, और ये काइनेटिक एनर्जी z कंपोनेंट की वजह से, और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि Vx और Vy आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो अगर रैंडम मोशन है, 3D मोशन हो रहा है टोटल, तो उस पार्टिकल के, उस पॉइंट पार्टिकल के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी? 3। तो आप अभी आपने देखा ट्रांसलेशन मोशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। ट्रांसलेशन मोशन अगर वन डायमेंशनल है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, टू डायमेंशनल है, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, थ्री डायमेंशनल है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी।
ठीक। अब जरा देखते हैं रोटेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से काउंट करते हैं। रोटेशनल मोशन की वजह से, तो मान लिया कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट था ये, ठीक। अब ये अगर अपनी ये तीन एक्सिस के आउट रोटेट कर सकता है, या तो ये एक्स एक्सिस के आउट रोटेट कर रहा हो, या ये वाई एक्सिस के आउट रोटेट कर सकता है, या ये अपनी जेड एक्सिस के आउट रोटेट कर सकता है, ठीक। तो अगर ये सिर्फ एक्स एक्सिस के आउट रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इस रोटेशन की वजह से होगी। मान लिया इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक्स है, तो जो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी आर के ई कह सकते हैं उसको, ठीक है। और किस कंपोनेंट की वजह से, एक्स कंपोनेंट की वजह से, तो कितनी हो जाएगी, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ये वाई एक्सिस का आउट रोटेट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाई है, तो वाई एक्सिस के रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये नहीं कहना है आपको कि वाई एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसी के अलोंग नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती। हम इतना कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी होगी हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। इसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, एकदम रोटेशन एंड रैंडम रोटेशनल मोशन हो रहा है, सभी एक्सिस के आउट वो रोटेट कर रहा है एट द सेम टाइम, तो उसके पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ सकती है, 3। अगर सिर्फ एक एक्सिस के आउट रोटेट कर रहा है तो 1, दो एक्सिस के आउट रोटेट कर रहा है तो 2, तीनों एक्सिस के आउट रोटेट कर रहा है तो 3, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की वजह से भी आपको समझ में आ गया। अब आप जरा इसको देखो, मान लिया एक पॉइंट पार्टिकल है, या आप ऐसे कहो मोनो एटोमिक गैस है, जैसे कि हीलियम। हीलियम जो गैस होगी उसमें सिर्फ एक ही एटम होता है। अभी जो एटम्स होते हैं, हम आइडियल गैस में क्या मानते हैं, एटम्स जो होते हैं वो पॉइंट मासेस होते हैं, और पॉइंट मासेस फिर रोटेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंपली क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होने के लिए, ढंग से समझना है, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होने के लिए एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट मास का इस तरह से डिफाइन है, एम इंटू आर स्क्वायर। तो अगर कोई पॉइंट मास किसी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, ठीक, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। अगर वो एक्सिस उसी पॉइंट मास में से पास कर जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि वो एक्सिस उसी पॉइंट मास में से पास कर गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो पॉइंट मास है, ये जो सिंगल एटम है, अगर ये अपनी एक्सिस के आउट रोटेट भी कर रहा हो, मान लिया इसकी एक्सिस है और ये रोटेट भी कर रहा हो अपनी एक्सिस के आउट, तो भी कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा उसका, 0। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो ओमेगा कुछ भी होता रहे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के पास ट्रांसलेशन मोशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो सकती है, और रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3 + 0, यानी कितनी आ जाएगी उसकी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी, ठीक। अगर आपकी डायएटॉमिक गैस है, तो जरा उसके बारे में देखते हैं। तो ट्रांसलेशन की तो 3 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन की जरा चेक करते हैं कि रोटेशन की कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप देखो, समझो जरा इसको, मान लिया डायएटॉमिक गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, तो उसमें 2 एटम्स होते हैं, डबल बॉन्ड होती है बीच में इस तरह से, तो ट्रांसलेशन की तो 3 होगी। ये जो मॉलिक्यूल है ये रैंडमली मूव करेगा स्पेस में, तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अब जरा रोटेशन का गेम देखते हैं इसमें, तो 3 एक्सिस कंसिडर करेंगे, पहली ये एक्सिस है एक्स एक्सिस,
तो अब मुझे बताओ क्या इस एक्सिस के आउट अगर मान लिया घूम भी रहा है तो क्या कोई रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स जो हैं वो उसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का इस एक्सिस के आउट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस एक्सिस के आउट कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जरा इस एक्सिस के आउट देखें, वाई एक्सिस के आउट, तो इस एक्सिस के आउट बिल्कुल होगी क्योंकि एम मास जो है वो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा, और रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या जेड एक्सिस के अबाउट होगी? तो जेड एक्सिस के अबाउट भी होगी क्योंकि जो मासेज हैं वो एक्सिस से दूर हैं। इसका मतलब डायटोमिक गैस के लिए रोटेशन में, रोटेशनल मोशन में दो ही नंबर ऑफ वेज हैं एनर्जी स्टोर करने के। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से स्टोर करी जा सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू 2। तो डायटोमिक गैस में रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3+2 यानी 5। ये है डायटोमिक गैस के लिए। अब जरा देखते हैं, पॉलीएटॉमिक है लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल है, या ट्राइएटॉमिक है लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल है, जरा उसके लिए देखते हैं। ठीक है, पॉलीएटॉमिक लीनियर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CO2, तो कार्बन यहां बीच में होता है, एक ऑक्सीजन यहां होता है डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहां होता है डबल बॉन्ड। अब जरा इसके लिए भी आप देखोगे तो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तीनों एटम्स जो हैं वो उसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें भी सिर्फ दो के मिलेंगे आपको, एक वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन और एक जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन। ठीक, तो रोटेशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 2। और 3 होगी ट्रांसलेशन की वजह से, टोटल फिर से कितनी आ जाएगी? 5। तो डायटोमिक गैस हो या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस हो, डायटोमिक गैस हो या पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस हो, इन दोनों के लिए यही गेम होता है। ट्रांसलेशन की 3, रोटेशन की 2, टोटल कितनी हो जाएगी? 5। ठीक, अब जरा आप समझो, अब हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 तो इसकी हो जाएगी ट्रांसलेशन की, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रोटेशन की जरा चेक करते हैं, तो जो एक्सिस हमेशा हम बनाते हैं ये ऑब्जेक्ट के, इस मॉलिक्यूल के हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं, क्योंकि अगर स्पेस में या स्पॉन्टेनियसली कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपनी एक्सिस के अबाउट ही, अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करता है। तो इसका ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये एक्सिस, ये कार्बन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, कहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो एक तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट क्या बताओ आप, कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि तीनों एटम्स में से कोई भी एटम एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्वाइव कर जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्वाइव कर जाएगा, 0 नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस एक्सिस के आउट रोटेशन हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है। क्या इस एक्सिस के आउट? इस एक्सिस के आउट भी होगा, ऑक्सीजन तो लाई कर गया उस एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी दूर है, तो हाइड्रोजन की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और इस एक्सिस के आउट? इस एक्सिस के आउट भी होगा, तीनों में से कोई भी एटम इस एक्सिस पे नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो भी कितना आ जाएगा? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3+3=6। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए 5, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड हमने यहाँ पे काउंट नहीं किए हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड जो होते हैं एनर्जी स्टोर करने के, वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट होते हैं, और अक्सर क्वेश्चन में उनको यूज नहीं किया जाता। फिर भी आप समझ लो कि अगर कहीं स्पेसिफिकली पूछ ही लिया,
मोनो एटॉमिक में तो वाइब्रेशन का कोई खेल नहीं है, वाइब्रेशन का खेल होता है डायटोमिक में। अब जैसे मान लिया ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, तो ये इसमें होता क्या है वाइब्रेशन में, एट हायर टेम्परेचर। पहली बात तो ये वाइब्रेशनल मोड जो एक्टिवेट होते हैं ये हायर टेम्परेचर पे होते हैं, एट हायर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो मोड्स एक्टिवेट होते हैं वो सिर्फ ट्रांसलेशन के होते हैं और रोटेशन के होते हैं। और अगर आप रूम टेम्परेचर से भी काफी कम टेम्परेचर पे चले जाओगे, एट अबाउट 100 केल्विन, 80 केल्विन, 90 केल्विन, तो इसके आसपास अगर आप देखोगे तो रोटेशनल मोड भी एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से मोड एक्टिवेट होते हैं, ट्रांसलेशनल मोड। तो चाहे आपकी गैस पॉलीएटॉमिक हो, चाहे आपकी मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायएटॉमिक हो, कुछ भी हो, सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है, सिर्फ 3। फिर जब हम 100 केल्विन से 300 केल्विन के आसपास आते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास आते हैं, तो वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब हम और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाई टेम्परेचर पर जाएंगे, तो आपके जो वाइब्रेशनल मोड हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी बहुत कम टेम्परेचर है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड एक्टिवेट होंगे, रूम टेम्परेचर पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एक्टिवेट हो जाएंगे, और हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोड कैसे एक्टिवेट होते हैं वो आप समझो। ये जो बॉन्ड होती है दो एटम्स के बीच में, जो बॉन्ड होती है स्प्रिंग की तरह काम करती है। तो एक एटम ये है, इनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, और दूसरा एटम ये है। तो स्प्रिंग की वजह से ये एटम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट भी करते हैं। स्प्रिंग कभी कंप्रेस होती है, कभी एक्सपेंड करती है, इस तरह से। तो ये जो एटम है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसी तरह से ये एटम भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो एक तो इस ऑसिलेशन की वजह से, एक ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस ऑसिलेशन की वजह से, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से ऐड हो जाती है। दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ये जो एटम्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी है और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ऑसिलेट वन डायमेंशनल, ऑसिलेशन का वन डायमेंशनल मूवमेंट ही हुआ क्योंकि वो अपने बॉन्ड लेंथ के अलोंग ही ऑसिलेट करेंगे। तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर एक सिंगल वन लाइन वन डायमेंशनल मोशन है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 1+1 2 होती है। क्यों? एक तो है पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉन्ड लेंथ में स्टोर हो रही है, और दूसरी क्या है, ऑसिलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो हाई टेम्परेचर पे डायएटॉमिक गैस अगर है, डायएटॉमिक गैस है या पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस है, तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाती है, ठीक है। अब जरा सॉलिड के बारे में आप देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि ये एटम्स हैं सारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनकी अपनी लोकेशन फिक्स होती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं हो सकता। तो हम ऐसा मानते हैं कि हर दो एटम के बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मैंने सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखाया है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करें, ढंग से समझना है, सॉलिड की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है, तो ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं सकता। ये एटम ही सोचे मैं यहां से मूव करके कहीं और मूव कर जाऊं, किधर भी मूव कर जाऊं, तो उसकी वजह से तो ट्रांसलेशन की वजह से 0 होगी। रोटेशनल मोशन भी नहीं हो सकता, उसको अपनी जगह पर फिक्स ही रहना है। सिर्फ और सिर्फ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से होगी। तो वो इस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर सकता है। तो इस एक्सिस के अलोंग उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और इसी एक्सिस के अलोंग इस बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो एक एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करने की वजह से कितनी आ गई उसके पास, 2 मोड आ गए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई वाइब्रेशन की वजह से। इसी तरह से वो इस एक्सिस के अलोंग भी ऑसिलेट वाइब्रेट कर सकता है, तो फिर से उसके पास कितनी आ जाएगी, 2, एक काइनेटिक एनर्जी की, एक पोटेंशियल एनर्जी की। और मैंने बताया ये जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल हो सकता है, होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो वो जेड एक्सिस के अलोंग भी इस तरह से वाइब्रेट ऑसिलेट कर सकता है, तो 2 मिल जाएगी उसको जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट ऑसिलेट करने की वजह से। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सॉलिड की आती है एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड्स प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होते हैं हायर टेम्परेचर पे। तो टोटल उसके पास होगी 6, और ये 6 में जितने हैं वो सारे सारे किसका कंट्रीब्यूशन है, वाइब्रेशनल मोड का कंट्रीब्यूशन है एट हायर टेम्परेचर।
तो आपको जो फाइनली रिमेम्बर रखना है, ये तो सॉलिड की आप रिमेम्बर रख सकते हो कि 6 होती है हायर टेम्परेचर पे, वाइब्रेशन मोड कैसे होते हैं वो भी समझना है आपको, और बाकी जो टेबल है ये आपको याद रखनी है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन कितनी होती है, रोटेशनल कितनी होती है, टोटल कितनी होती है। इसी तरह से डायटोमिक पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए क्या गेम है वो भी ध्यान रखना है, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या गेम है वो भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। वेलकम टू पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कोई सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेचर में जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और हमने देखा था वर्क एनर्जी में कि हर कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग आप एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक। और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो सिस्टम की एनर्जी को सक नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप समझो, मान लिया आपका एक गैस सैंपल है, या फिर कोई सॉलिड क्यूब है, कोई भी सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस हर सब्सटेंस इन न्यूमरस नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और वो सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। अगर हम गैस की बात करें इसमें, तो कि एक एटम या मॉलिक्यूल है ये इधर मूव कर रहा होगा, दूसरा वाला कहीं इधर मूव कर रहा होगा, तीसरा वाला कहीं इधर मूव कर रहा होगा, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में, यानी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में, यानी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या है, जीरो। वो इसलिए वेलोसिटी जीरो है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM कैसे लिखते हैं हम, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। मासेज अगर हम सबके बराबर मान लें, ठीक है, तो यही क्या बन जाएगा, यही आपको बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। इसी तरह से जितने अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं डिवाइडेड बाई n। अब वेलोसिटीज जो होती हैं वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है तो किसी ना किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ भी होगी, ठीक है। तो जब हम नेट एवरेज निकालते हैं उन सारी वेलोसिटीज का, वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, या आप ऐसे पूछो कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होगा क्या वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो आता है, अगर पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K1 लिखें तो वो होगा ½mv1 square, और उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, स्पीड का स्क्वायर आता है, और काइनेटिक एनर्जी जब आप सारी ऐड करोगे तो वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब इस सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो नहीं होगी, ठीक। इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ऊपर से देखने में लग रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्टिकल्स को देखोगे तो वो पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, और उन सब सारे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आपको सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, इसको आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो सैंपल है ओवरऑल कहीं मूव नहीं कर रहा है, कहीं आगे या पीछे मूव नहीं कर रहा है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें बहुत सारे डिसऑर्गेनाइज्ड रैंडम मोशन हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो आप उसको कह सकते हो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, या इसको आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अच्छा, इसी तरह से जब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा, ये कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो और हमने अभी देखा कि एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जितने भी फोर्सेस होते हैं, इवन अगर आप ढंग से समझोगे तो नेचर में जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं जितने भी फोर्सेस होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रिक्शन तो हमने पढ़ा था नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो तो सिस्टम की एनर्जी सक कर लेता है। तो अगर आप ढंग से देखो तो फ्रिक्शन भी सिस्टम की एनर्जी सक नहीं करता, प्रोवाइडेड आपने सिस्टम किस तरह से परसीव कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको बहुत ढंग से समझना है, मान लिया एक सरफेस है और उस पर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक,
और इस ब्लॉक को आपने कुछ वेलोसिटी दी है, सरफेस में फ्रिक्शन है, कुछ वेलोसिटी दे दी है वी नॉट, तो डेफिनेटली आगे स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी एक मोमेंट पर आगे रेस्ट में आ जाएगा, ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो गई होगी। अब आप कहोगे सर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसलिए उसने सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सक कर ली। जी नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, ढंग से समझो। जब ये आगे मूव कर रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई, यही बात गलत है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो नहीं हुई है। क्यों हुआ, क्या है, जब ये मूव कर रहा था तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हुई होगी, हीट जनरेट होने से सरफेस और ब्लॉक दोनों के टेम्परेचर इंक्रीज हो गए होंगे हीट की वजह से। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएंगे तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता ही क्या, वो अभी हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है, तो ये हमने हीट में पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो हम कह देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं तो हम कह देते हैं टेम्परेचर आपका ज्यादा है, वो स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं टेम्परेचर कम है। तो ये जो जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे सरफेस में और ऑब्जेक्ट में, इन सबका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब इनके ऑसिलेशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इनके ऑसिलेशन बढ़ गए हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक, तो जो मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी थी जिसको आप हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, वो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आप इस चीज को भी कंसीडर करोगे तो क्या आप कभी ये कहोगे कि फ्रिक्शन ने सिस्टम की एनर्जी खाली, नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ही फॉलो इसलिए होता है क्योंकि नेचर में जितने भी फोर्सेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, इसलिए पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। जो एनर्जी कंजर्वेशन का हम कंसेप्ट देते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी में मास भी आपका आ गया है क्योंकि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, तो लॉ ऑफ मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, तो उसमें क्या होता है कि नेचर में जितने भी फोर्सेज हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, और जब कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो टाइम के साथ यूनिवर्स की एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक, तो अगर आपका ब्लॉक प्लस सरफेस ये सिस्टम है आपका, तो इस सिस्टम की एनर्जी में भी कोई कमी नहीं आई है, जो मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी थी वो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। फ्रिक्शन ने सिर्फ क्या किया, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? ठीक ठीक है, तो अब वापस चलते हैं। तो सिस्टम के अंदर एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है और ये किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम डिसऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम उस काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे कि अगर मान लीजिए गैस सैंपल आपने वी नॉट से मूव करा दिया तो अब आप कहो कि इसके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये आपकी ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी है या फिर ये मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर आप जा रहे हो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो आपको काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, हम उस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि जब ये एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, और मैंने बताया सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो उस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे तो पूरे सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी कंजर्वेटिव, जितने भी इनके बीच, जितने भी तरह के इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं, वैन डेर वाल इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कुछ भी इंटरेक्शन हो, हर इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखेंगे। तो अगर हम सारे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इन टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर लें और उस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐड कर दें, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी आने वाली है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी शामिल है, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी प्लस माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी वो है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो डिसऑर्डर्ड मोशन के साथ जो काइनेटिक एनर्जी, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके पास ट्रांसलेशनल भी होगी, रोटेशनल भी होगी, और हायर टेम्परेचर पर वाइब्रेशन भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से, जितने भी हो सकते हैं उन सब की वजह से। ठीक है, तो उस टोटल को हम क्या कहते हैं,
उस टोटल को कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। ठीक है, और यह पता लगाया गया है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जो कुछ भी है, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिस्टम के टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस सिस्टम के टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ये कहता है कि मान लिया कोई गैस है, एक आइडियल गैस है, तो उसकी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी। ठीक, यानी अगर आपके पास एक गैस सैंपल है जिस गैस सैंपल का टेम्परेचर मान लिया है टी, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव सेम इंटरनल एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव सेम इंटरनल एनर्जी। अगर गैस है आपकी, अगर ये कैपिटल टी इसका टेम्परेचर है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास पर मोल गैस में जो एनर्जी होगी वो हाफ आर टी के बराबर होती है। इंटरनल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इसका टेम्परेचर टी है तो एक मोल गैस के पास, अगर हमने वन मोल गैस लिया तो एक मोल गैस के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी स्टोर होगी, जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होती है, वो हाफ आर टी के बराबर होती है। ठीक है, आर क्या है, आपका गैस कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो अगर अगर एन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है या एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मोल के पास कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, तो वो आ जाएगी एफ आर टी बाई टू। ठीक, और अगर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक, तो उस सिस्टम की टी टेम्परेचर पे टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, एन टाइम्स एफ आर टी बाई टू। ठीक, तो अगर इस कंसेप्ट को हम यूज करें तो मोनो एटोमिक गैस के पास कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, मोनो एटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो, और हम एक मोल के लिए देख रहे हैं, गैस सैंपल जो है वो एक मोल है, तो मोनो एटोमिक के पास पर मोल कितनी होगी, तो वो हो जाएगी, मोनो एटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है तो ये हो जाएगी 3R टी बाई 2। डायटोमिक गैस के लिए कितनी होगी, डायटोमिक या पॉलीएटोमिक लीनियर, तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है रूम टेम्परेचर पर, तो ये हो जाएगी 5R टी बाई 2। और अगर पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर होगा, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, तो पर मोल उसके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी 6R टी बाई 2। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एन एफ आर बाई 2 टाइम्स डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी।